हेलो स्टूडेंट, मैं मनीषा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज से। मैं आज आपको पत्ती के बारे में बताऊंगी। पत्ती क्या होती है? पत्ती पौधे का वह भाग होता है जो तने से निकलता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन तैयार होता है, इसलिए इसे खाद्य पत्ती का खाद्य कारखाना भी कहा जाता है। यह हरे रंग की होती है, इसमें पर्णरेणु पाया जाता है। इसकी जो पौधे की शाखाएँ होती हैं उसमें शिराएं पाई जाती हैं, और यह पत्ती जो होती है वो संपूर्ण शिराओं का एक जाल सा बना लेती है। यह एक जाल के रूप में फैली होती है। पत्ती के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? पत्ती के तीन भाग। पहला भाग है आपका पर्णफलक, दूसरा है पर्णग्रंथ, तीसरा है पर्णम धार। तो पहले अपन आपको पर्णफलक के बारे में पढ़ते हैं। पर्णफलक पत्ती की फैली हुई चपटी विस्तृत एवं हरे रंग की संरचना होती है। इसके मध्य में एक मोटी सिरा होती है, और इस सिरा के दोनों ओर एक अनेक शिराएं निकलती हैं, जिसे सिरा संस्थान कहा जाता है। वह किसमें होता है? पर्णफलक में। सिरा संस्थान। दूसरा पॉइंट है आपका पर्णग्रंथ। पत्ती का बेलनाकार भाग, मतलब जो डंठल के रूप में निकलता है, वह पर्णग्रंथ कहलाता है। यह पर्णफलक पत्ती को थोड़ा ऊपर उठाने में सहारा प्रदान करता है, ताकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा इसे प्राप्त हो सके। तीसरा है आपका पर्णाधार। पत्ती के सबसे निचले शिरे पर पर्णाधार की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि तने से जुड़ा रहता है। तो यह क्या हो गया? पर्णाधार कहलाएगा। अब इसकी जो आगे की प्रोसेस रहती है वह यह है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अधिकांश कोशिकाएं रहती हैं, वह पर्णफलक में निहित होती हैं, और पत्ती में उपस्थित जो शिराएं होती हैं वह पत्ती को निश्चित रूप एवं आकृति प्रदान करती हैं, और भोजन पत्ती द्वारा पौधों को प्राप्त होता है। अब इसमें क्या रहता है कि जो सूर्य से हमें CO2 प्राप्त होती है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य प्रारंभ करती है, और पौधों के अतिरिक्त इसमें पानी का ह्रास भी कम से कम होता है। अब जो पत्तियां होती हैं वह क्या है? 2 टाइप्स की होती हैं। पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली है साधारण पत्ती, इसको हम सरल पत्ती के नाम से भी जानते हैं, सरल पत्ती। और दूसरी है अपनी संयुक्त पत्ती। तो पहले अपन साधारण पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। साधारण पत्ती वह होती है कि इसमें पत्ती का केवल एक ही फलक रहता है, जिसे साधारण पत्ती कहते हैं। यह पत्ती किसमें दिखाई देती है? मूली है, गेंदा है, और भी कई ऐसे पौधे हैं। दूसरा है संयुक्त पत्ती, इसमें पत्ती का जो फलक होता है वह छोटे छोटे भागों में दिखाई देता है, या छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे कि यह गुलाब है, धनिया है, इसमें क्या है, पत्ती के जो फलक होते हैं वह छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं या दिखाई देते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं पत्ती के कौन कौन से कार्य होते हैं। पत्ती के कार्य, पहला कार्य क्या होता है कि पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में क्या है कि जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं उन्हें स्ट्रोमेटा कहते हैं, जिससे इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसमें वात्कोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। दूसरा प्रमुख कार्य यह है कि जो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ होती हैं वह कंटीली होती हैं, और इनका जो आकार होता है वह चपटा, हरा एवं मांसल होता है। तो इसमें वात्कोत्सर्जन की क्रिया कम से कम होती है, जिससे पानी का ह्रास नहीं हो पाता। अब इन पौधों की निम्नलिखित विशेषताएं भी होती हैं। तो वह कौन कौन सी होती हैं कि पहली विशेषता यह
उनका तना मोटा मांसल एवं चपटा होता है। तो ये क्या है, अधिकांश पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस है और भी बहुत ऐसे पौधे हैं। और दूसरा इसका प्रमुख कारण यह है कि जो इसकी जड़ें होती हैं वह जमीन के अंदर गहराई में धंसी हुई होती हैं। और तीसरा इसका प्रमुख कारण यह है कि जो आरो लताएं हैं उनके जो तने होते हैं वह दुर्बल होते हैं। तो ये क्या है कि इन्हें इनकी जो संरचना होती है वह कुंडली नुमा होती है और इन्हें चरण मतलब वृद्धि करने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। और तीसरी विशेषता है कि कुछ पत्तियाँ खाद्य पदार्थों का संचय भी करती हैं। और तीसरी यह है कि जो कीट बक्षी पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ कीटों को पकड़ने में सहायता करती हैं। तो ये आपका मैंने पत्ती वाला टॉपिक पढ़ा दिया है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको अगले अध्याय में पढ़ाऊंगी। तब तक